किर्गिज़िस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमला, हमले में मुतादिद पाकिस्तानी तलबा जख्मी, अमवात का भी खदशा है। बिश्केक में मौजूद तलबा के मुताबिक मुकामी और गैर मुल्की तलबा में कशीदगी के बायस हालात खराब हुए। पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए, मुतादिद पाकिस्तानी तलबा भी हमलों में जख्मी हुए, अमवात का भी खदशा है। झगड़े किर्गिज तालिब इल्मों की जानब से मिस्री तलबा को हिरासा करने पर शुरू हुए। किर्गिज तलबा पूरे बिश्केक में गैर मुल्की तलबा और तालबात पर हमले कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने हॉस्टल्स क्लासरूम्स में घुस कर गैर मुल्की तलबा और तालबात पर तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ भी की। तलबा की पाकिस्तानी सिफारत खाने से अदम तआवुन की भी शिकायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़िस्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा पर तशद्दुद पर इजहार तशवीश। बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी सफीर को तलबा की हर मुमकिन मदद की हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एलामिया जारी, कहा पाकिस्तानी सफारत खाने ने इमरजेंसी राबते नंबर्स फराहम कर दिए हैं। वज़ीर आज़म मुसलसल सूरत हाल से आगाह हैं। किर्गिज़िस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत अवलीन तरजीह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि किर्गिज़िस्तान के हुकाम से राबते में हैं। किर्गिज़िस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने से पैगाम मौसूल हुआ है। पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम के मुताबिक पाकिस्तानी तलबा को हालत मामूल में आने तक घरों में रहने की हिदायत कर दी है। तलबा की हिफाजत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तलबा को राबते के लिए फ़ोन नंबर्स भी फराहम किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों पर इजहार तशवीश, कहा किर्गिज हुकूमत तलबा और तालबात को हिरासा किए जाने का नोटिस ले। पाकिस्तानी तलबा और तालबात को हिरासा करना इंतहाई तशवीशनाक है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं किर्गिज़िस्तान में पाकिस्तानी तलबा और तालबात पर किर्गिज अफराद के हमले अफसोसनाक हैं। किर्गिज़िस्तान में तकरीबन 10,000 के करीब पाकिस्तानी तलबा मौजूद हैं। मुकामी अफराद के झगड़े के नतीजे में वहाँ हमले हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि खबरें आ रही हैं 3 पाकिस्तानी तलबा शहीद भी हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान किर्गिज हुकाम से राबते करे, हमलों की रोकथाम और पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इकदाम किए जाएँ। किर्गिज हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। विफाक के पास 15 रोज़ का वक्त है, बात ना सुनी तो वापदा दफातर का टेक ओवर करके दिखाऊंगा। वज़ीर आला केपी का अल्टीमेटम, कहा 50 अरब रुपए हमें 2 माह में चाहिए, हमारा हक दिया नहीं जा रहा, टैक्सेस भी लगाए जाते हैं, अपना हक मांगना गलत है तो इससे भी आगे जाएंगे। अली अमीर गंडापुर ने निगरान हुकूमत के इकदाम की तहकीकत का भी ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर तक एहतजाज का भी इंदिया दे दिया, कहा जिनकी आज़ादी में हम शरीक थे उनके सामने तुम डर गए, हम बाहर निकले तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।